कर क्या रहा है यहाँ पे? गाय को घास खिला रहा हूँ। ये तो खुद खा रही है, तू थोड़ी खिला रहा है इनको है? मोबाइल क्यों पकड़ रहा है, कर क्या रहा है यहाँ पे तो? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम व अलैकुम सलाम, कैसे हो अल हबीबी। तो गाइस डियर 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 डियर, तो आज मैं जा रहा हूँ छोटा सा और प्यारा सा व्लॉग, और वो व्लॉग होने वाला है यहाँ से और नील टॉप के बीच में। तो मैं जा रहा हूँ भैया, आज ऐसी बाइक लेके जा रहा हूँ ना, मैं बाइक के मेरे पास देखो, एक चाबी RS 200, दूसरी चाबी RS 200, तीसरा बुल्ट है, उसकी चाबी अभी मेरे पास नहीं है, मैं वही लेके जा रहा हूँ, बुल्ट पे व्लॉग करने जा रहा हूँ। एक धमाकेदार, उसमें साइलेंसर भी लगा हुआ है, कहीं मेरा चालान ना हो जाए उस साइलेंसर पे, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ इलीगल काम किया नहीं है, बाइक के रिलेटेड बोल रहा हूँ मैं, कभी मॉडिफिकेशन नहीं की है, हो सकता है कहीं पंगा पुंगा ना हो जाए। दिलों की धड़कनें थाम के रखिएगा, आगे होने वाला है ऐसा ही कुछ। तो चलिए ले चलते हैं आपके पास सबसे पहले बाइक पे। तो गाइज मैंने बाइक वगैरह आप लोगों को नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे जो कैमरा था वो ऑफ हो गया था, उसके कारण जो बाकी चीज़ें जब वो नहीं दिखा पाया मैं। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, अभी बज रहे हैं 6:30 के करीब होने वाला है टाइम, तो मैं पहुंचा हूं नील मालत्रागन में। तो मेरे साथ है मेरा फ्रेंड तनवीर, जो मेरे साथ अक्सर ही होता है, ये देख पा रहे हो आपके लंबी लंबी जुल्फ़ें तनवीर, और ये मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप है, हेलमेट वगैरह। एक बार आप लोगों को याद होगा, जिसने मेरा बहुत पुराना वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने आप लोगों को भालू दिखाया था, जो इसी जंगल में था वो भालू, तो यहाँ से आगे जाके करीबन ये 1 किलोमीटर है वो यहाँ से आगे, और वहाँ से नीचे वो मुझे दिखा था भालू चलते हुए रास्ते में, तो वो मैंने वो भी दिखाया था आप लोगों को। तो अभी हम निकलने वाले यहाँ से, आगे जाएंगे हम थोड़ी देर में और उसी रास्ते जाएंगे, अगर ही अगर हमें वो दिखा भालू तो वो चीज़ भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देख पा रहे हो गाइज, ये वाला जो जंगल है, तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है पीछे वाले वीडियो में, शायद 50 से 60 के बीच में वाला व्लॉग है वो, उसी जंगल में वो भालू भी दिखा था मुझे इस वाली साइड में, नीचे वाली साइड में थोड़ा सा आगे है वो, लेकिन यही वाला जंगल है। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं, आज कुछ यहाँ पे सूखा फूखा सा लग रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पूरी तरह से कम्प्लीटली। पीछे वाला भालू था ना निकला हुआ, वो पिछली बार यहाँ से नीचे निकला था इस साइड में, जब हम आए थे यहाँ पे बैठे थे, हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाई थी, वो हम यहाँ पे बैठे थे पीछे वाली साइड में, ये जो होता है ना घास इनका इनका पेड़ों का, तो इसको पता नहीं क्या कहते हैं हमारी भाषा में, सांग, कश्मीरी में सांग कहते हैं, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे थी काफ़ी ज़्यादा, फिर इस साइड में हमें भालू दिखा रहा था, तो यहाँ नीचे से भागा था, आज फिर आए हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार, हम बहुत नीचे आ गए यार, जो लास्ट टाइम जो हम लोग आए थे वो वहाँ से ऊपर चढ़े थे हम लोग, लेकिन अभी हमें जो ये रास्ता है ये काफ़ी नीचे जाता है, चमलवास की ओर जाता है, और ये वाला रास्ता अभी हमें यहाँ से रास्ता भूल गया है, और हम लोग जा रहे हैं वापस यहाँ से ऊपर की ओर उस जंगल के बीच में से, यहाँ पे सच में कहीं आज शेर ना निकल जाए या भालू ना निकल जाए, उसके कारण हम जो है उसकी खुराक बन सकते हैं, क्या होगा कि ये हमारा लास्ट व्लॉग हो जाएगा। देख रहे थे कुछ डर ही लग रहा है कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई डर ही लग रहा है हम लोगों को, देख पा रहे हो पूरी तरह से जंगल ही जंगल है। व्लॉग करने आए थे भाई लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता ये व्लॉग पूरा कंप्लीट होने वाला है, अगर पूरा जंगल ही जंगल है यहाँ पे, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देख रहे हो आप लोग, ये मुर्गू को खाया हुआ है किसी जंगली जानवर ने खाया है, ये देखो, हम भी किसी जंगली जानवर का शिकार ना हो जाए। अब किसके लिए बोल रहे हैं आ रहा है, तो अब ये पता नहीं है हम लोगों को किसको आ रहा है। एक मिनट में
एक्चुअल में हमें जाना वहाँ वाले रास्ते से था, लेकिन हम थोड़ा गलत हो गए हैं। जंगल काफ़ी भयानक है यहाँ पे, ऐसे वाले ये पेड़ देख पा रहे हो आप लोग, ऐसे करके आगे से इस तरह से है। तो यहाँ पे सोने का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है, यहाँ पे जंगल है काफ़ी। हम निकलेंगे यहाँ से ऊपर, तो फाइनली हम लोग टॉप पे पहुंच गए हैं। बस थोड़ा सा ये सामने वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कैमरामैन फोकस करो, भाई बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है, हिम्मत नहीं रही है नीचे से चल के। हमें थोड़ा रास्ता जो था गलत हो गया था, मिसगाइड हो गए थे हम लोग। पीछे वाला जो रास्ता पकड़ रहा था हमने नील टॉप से, वो गलत रास्ता पकड़ दिया था हमने नीचे वाली ओर से। हम चमलवास के थोड़ा ही ऊपर थे, लेकिन वहाँ से ऊपर चढ़े हम लोग यहाँ पर टॉप पर पहुँचे हैं। हालत ख़राब हो गई है हम लोगों की। अभी जाके फाइनली जो आगे देख पा रहे होंगे आप लोग, ग्राउंड क्रिकेट का यहाँ पर टूर्नामेंट वगैरह होते रहते हैं। जूम करके दिखाना, अच्छे खासे टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पे। अभी जो जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को, हम देख पा रहे हो आप लोग, हमें बाइक लगानी चाहिए इधर नीचे, जैसे भी रोड आता है नीचे से। हमें बाइक लगानी चाहिए इधर नीचे। तो गाइस रात को हम ऊपर छत पे सोए थे नील में, तो छत काफ़ी दूर है ऊपर तीसरी मंजिल पे, और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे सोने का, बड़ा ही क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ा आया यहाँ पे सोने का रात को, और इतनी मस्त नींद आई। अब दिखाता हूँ मैं बाहर का मौसम आपको, ज़रा हम खिड़की को खोलते हैं। ये देख पा रहे हो आप लोग, ये नट्स के पेड़ हैं, यानी कि अखरोट के पेड़, और ये नीचे वाला इस साइड में जो नीचे का मौसम है कितना ही प्यारा है भाई। नीचे का सीन देखो भाई, क्या ही खूबसूरत सीन है भाई, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया भाई, क्या मस्त मज़ेदार। और सामने आ गया ये सरगली का एरिया, ये सरगली है, उस साइड में पोगल वगैरह सारा कुछ उसी पे आता है, और ये देख पा रहे हो इस तरफ में। सो दोस्तों ये देख पा रहे हो आप लोग, हम लोग यहाँ कितनी ठंडी हवा में है, ये मस्त मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी ये थोड़ी सी गॉगल लगा के रखेंगे हम, ये इसमें काफ़ी अच्छा दिखता है धूप में। तो मैं दिखाता हूँ आपको फ्रंट व्यू। अरे अभी हम लोग गायों के साथ आए हैं इसी यहीं पे, घर के साथ में, और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, गर्मी का बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि गर्मी है यहाँ पे। और ये देख पा रहे हो ये गाय है, और हम लोग इसी गाय के साथ हैं, गाय की रक्षा कर रहे हैं, गाय को घास फूस वगैरह खिला रहे हैं। इस साइड में हमारा यहाँ पर आ गया परहेंदर हाला वगैरह, तो पीछे देख पा रहे हो आप लोग बहुत ही खूबसूरत मौसम है। आप लोग अगर कहीं नील आना चाहो तो भैया आज ही मौका है, आज ही वो टाइम है नील आने का, और आप लोग यहाँ पे अच्छा इन्जॉय कर सकते हो कहीं और दूर, अपना जो पैसा खर्च करने के बगैर अच्छा है आप लोगों को यहाँ नील आओ। काफ़ी सारी रिश्तेदारी होती है वो निकालो, आओ उनके घर बैठो 2-4-10 दिन, और काफ़ी मज़ेदार। ये देख पा रहे हो अखरोट के पेड़ कितने मस्त, बस इन पे अब अखरोट बनने वाले हैं कुछ ही टाइम बाद, और फिर ये देख पा रहे हो, और सामने पहाड़ों पे बर्फ भी है, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, कितना ही मस्त मज़ा है, मतलब बहुत ही अच्छा सुंदर, अति सुंदर लग रहा है यहाँ से। एक्चुअली मेरा प्लान था सुबह घर जाने का, लेकिन प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, और मेरा मन नहीं किया जाने का, और मैं आज यहीं पे बैठ गया हूँ फिर से। आज देखते हैं शाम को अगर निकल गया तो, अदरवाइज़ दिन को तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि काफ़ी धूप होती है, रामबन में काफ़ी गर्मी होती है। और ये और देख पा रहे हो मुझे एक टी शर्ट लगी है बाहर से ज़िपर, अंदर से एक टी शर्ट लगा हुआ है, और मतलब ना कि फिर भी मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि गर्मी है यहाँ पर, ठंडी हवा चल रही है। अखरोटों के पेड़ों, ये देख पा रहे हो अखरोट के पेड़, ये
ये काफी बड़े बड़े हैं, इन पे बहुत ही ज्यादा अखरोट पत्ते हैं। और ये देख पा रहे हो इस तरफ में, अभी ये बंदा देख पा रहे हो बड़ी देर से ये धूप में बैठा हुआ है। यहाँ पे इतना मौसम अच्छा है और ये धूप में बैठा हुआ है, ये कर क्या रहा है बड़ी देर से। अब इसी से जाके पूछते हैं ये वहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है। ये बड़ी देर से यहाँ घास खा रहा है कि गायों को खिला रहा है यहाँ पे बैठ के, ये कर क्या रहा है यहाँ पे। ये तो खुद खा रही है, तू थोड़ी खिला रहा है इनको है? मोबाइल क्यों पकड़ रहा है, कर क्या रहा है यहाँ पे। तो अभी हम चल पड़े हैं गायों को पानी पिलाने के लिए, क्योंकि पुण्य और सवाब का काम है माल जानवर जो भी बेजबान चीज़ होती है उसको पानी पिलाना चाहिए। जबान वाले को सवाब है पानी पिलाना, ये तो बेजबान चीज़ है। काफ़ी मस्त मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, और मैं अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पे आया। मैंने कोई गलती नहीं की, दो दिन छुट्टी थी तो मैं निकल पड़ा गायों के साथ। हम हैं बेसिकली यहीं से, अब वो जगह कहाँ पे है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारा जो जन्मभूमि है वो रामबन में ही हुई है। वो जगह भी दिखाऊंगा मैं कहाँ पे रहते थे हम। तो देखो भाई क्या खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, कितना मज़ा है। और ऐसी धूप में रामबन में चलोगे और दो टिश्टें लगा के, हालत ख़राब हो जाती है, पसीना चलना स्टार्ट हो जाता है। नील के नए रोड दिखाऊँगा मैं आप लोगों को, एक ये ऊपर से बन रहा है, कहाँ गया रोड, एक ये वाला रोड बन रहा है ऊपर से, और ये भी जाएगा पीछे, पता नहीं पीछे कहाँ जाएगा लेकिन काफ़ी दूर तक जाएगा। एक और रोड दिखाता हूँ जो वहाँ से बना है, पता नहीं वहाँ क्या बोलते हैं, सिनेगाम की पर यहाँ क्या बोलते हैं, पार सुरंगा वाली साइड में ये रोड बना है। ये भी जा रहा है आगे, शायद ये ऊपर जो सरगली है वहाँ के लिए टच हो पाएगा। सरगली है ना, काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे मैचेस होते हैं क्रिकेट के, बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत क्राउड होता है वहाँ पे, चल के लोग पहुँचते हैं। जब रोड पहुँचेगा तो वहाँ कितने सारे लोग आएंगे ये मैं नहीं बता सकता, ये देखना पड़ेगा तब। और ये रोड जा रहा है यहाँ से, अभी हमने गायों को पानी पिलाने के लिए ले जाना है वो नीचे नाले में, वहाँ जाएंगे हम गायों को पानी पिला के, फिर हम वापस आएंगे इनको, फिर बांधेंगे, फिर जाएंगे हम घूमने। और एक और अच्छी जगह दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया जगह, आप लोगों ने देखी भी होगी, लोकल जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली है यूट्यूब की, उन्होंने देखा होगा। वो नाम मैं आप लोगों को बाद में ही बताऊँगा, कुछ लोगों ने देखी है कुछ लोगों ने नहीं देखी हो, लेकिन वो ऐसी खूबसूरत जगह है ना मैं क्या ही बताऊँगा आप लोगों को। और कहीं जाने की खर्चा करके इतना पैसा खर्च करना, वहाँ जाना फिर बाइकें लेके गाड़ियाँ लेके, लेकिन यहाँ फ्री 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 टोटल फ्री में कर सकते हो ये वाला जो पिकनिक है, बहुत ही बढ़िया है। ट्रैकिंग भी कर सकते हो वहाँ पे, वहाँ पे कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये जो है, मुझे यहाँ पे हमारा घर होता था, या इन अखरोटों के पीछे, ये सारा भी अखरोट का जितना भी बाग है ये हमारा ही है। तो यहाँ पे इसी साइड में हमारा भी कहीं मकान होता था, मुझे पूरा पता नहीं है कि कहाँ पे होता था, लेकिन इसी जगह में होता था। काफ़ी अच्छी जगह है वो भी, बड़ी बात जो है रोड के साथ में, ये रोड साथ में नीचे है, 5 मिनट का रास्ता है रोड से, वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है, मतलब सर्दियों में आप लोग क्या करते हो, नीचे के लिए आ जाते हो, रोड के साथ वाले जो जितने भी घर हैं वो दो घर, हर किसी के दो दो घर होते हैं यहाँ पे, एक घर होता है सर्दियों में रहने के लिए, दूसरा घर होता है गर्मियों में रहने के लिए, माल मवेशी वगैरह को ले जाते हो आप ऊपर पहाड़ियों पर, वहाँ पर भी घर होते हैं। ये सारे घर ऊपर वाले घर हैं, क्योंकि हम आज भी ऊपर आए हुए हैं। तो इस तरफ में देख पा रहे हो आप लोग पार पहाड़ियाँ, ये देख पा रहे हो कितनी खूबसूरत, ये सरगली वगैरह जो है पीछे ऊपर, कुछ नाम है मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहे हैं नाम, काफ़ी ऊपर चंग बोलते हैं वहाँ पे, चंग और भी कोई कई सारे नाम है, ऊपर पहाड़ियाँ हैं नील टॉप से ऊपर, जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती है ऐसी ऐसी, जिनका आप इस्तेमाल करके उनसे फ़ायदा भी उठा सकते हो, वो जड़ी बूटियाँ इन्हीं पहाड़ियों पर मिलेंगी आप लोगों को। अभी गायों ने पानी पी लिया है और अब इनको हम वापस ले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा घास भी खा रही हैं और चलते जा रही हैं। और अभी ये गायें देखो चल रही हैं यहाँ से ऊपर, चलो भाई जल्दी। ये है गायों का ग्वाला जो गायों की रखवाली करता है, इसके पास और 50 गायें हैं, वो अभी घर पे है। कितनी गाय है? 10। 10 गाय और हैं? हाँ। वो घर पे ही रखी हैं। हाँ। वो VIP गाय हैं, वो चल फिर नहीं पाती हैं इनको, इसलिए उनको घर पे ही रखा हुआ है। हम इतनी ऊंची जगह पे, ये देख पा रहे हो आप लोग कसरोड, यही है कसरोड, और आप लोगों को पता ही है कसरोड कितनी ऊंची जगह पे होती है पहाड़ियों पे, हम बहुत ऊंची जगह पे हैं। ये देख पा रहे हो, काट के दिखाता हूँ, यही है कसरोड, ये है हमारा वासा मार्ग जो डिस्ट्रिक्ट रामबन के नील टॉप इलाके में
पाया जाता है, तहसील बनिहाल। काफ़ी बेहतरीन, बढ़िया है। थोड़ा सा ऊपर चलना है, 5 मिनट का फ़र्क है बस। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लान है और दिखने में काफ़ी अच्छा है।